विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी। आमिर के एलियन किरदार को रिप्लेस करेंगे रणबीर? क्या श्रद्धा कपूर के साथ जल्द ही नजर आने वाले हैं रणबीर? क्यों दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए सावधान रहना चाहते हैं राजकुमार हिरानी? रणबीर कपूर और राजकुमार हिरानी दोनों संजय दत्त की बायोपिक के बाद एक बार फिर पीके के सीक्वल में साथ में काम करने वाले हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर आमिर खान की जगह लेंगे। आमिर खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म पीके ने साल 2014 में रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था। फिल्म को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। आमिर और अनुष्का की इस शानदार जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया था। फिल्म के आखिरी सीन में आमिर खान के साथ रणबीर कपूर को देखा गया था, जिसके बाद से लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फिल्म के दूसरे सीक्वल में रणबीर कपूर इस कहानी को आगे ले जाएंगे। आपको बता दें, फिल्म प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने हाल ही में फिल्म के दूसरे सीक्वल को लेकर इस खबर की कन्फर्मेशन दी है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर नजर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सीक्वल पीके अगेन के बारे में, जिसकी स्टोरी लाइन से लेकर स्टार कास्ट तक सब कुछ होने वाला है बेहद ही दिलचस्प। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, रणबीर कपूर और राजकुमार हिरानी संजय दत्त की बायोपिक के बाद इस सेकेंड कोलैबोरेशन पीके के सीक्वल में साथ में काम करेंगे। राजकुमार हिरानी और आमिर खान ने थ्री इडियट्स के बाद पीके में दूसरी बार साथ में काम किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इस फिल्म में आमिर खान एक एलियन के किरदार में नजर आए थे। अब देखना ये होगा कि क्या पीके के सीक्वल में भी रणबीर एलियन के किरदार में नजर आएंगे या फिर वो किसी अलग अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। पीके के दूसरे सीक्वल में रणबीर कपूर के कैरेक्टर को लेकर उनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। इस फिल्म के अलावा रणबीर जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड आलिया के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। वहीं रणबीर और श्रद्धा कपूर स्टारर लव रंजन की फिल्म अगले साल होली पर भी रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट का एक पोस्ट भी शेयर किया था। आमिर खान स्टारर पीके को दर्शकों और क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया, लेकिन फिल्म ने इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज को जन्म दिया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने हाल ही में कहा कि वो फिल्म के अगले इंस्टॉलमेंट का प्लान बनाने से पहले काफी सावधान हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर हिरानी ने कहा, हमें इसके लिए जितनी नेगेटिव रिव्यूज मिले उसके बाद हम पीके के साथ सावधान रहना पसंद करेंगे। मुन्ना भाई का निश्चित रूप से एक सीक्वल होगा। हम थ्री इडियट्स के लिए भी एक सीक्वल सोच रहे हैं, लेकिन पीके के सीक्वल आने से थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि हम एलियन के यूज पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए जब तक कोई अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि थ्री इडियट्स के दूसरे अनाउंसमेंट के लिए निर्देशक के पास बहुत ही बेहतरीन प्लान्स हैं। फिल्म पीके ने लगभग 800 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन साथ ही साथ इसे भगवान और अंधविश्वास पर उंगली उठाने के इल्जाम में काफी कुछ झेलना पड़ गया। कई हिंदू कम्युनिटीज ने फिल्म की स्क्रीनिंग के दिन सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की, आमिर के न्यूड पोस्टर्स फाड़ दिए गए और इस पर बैन लगाने की भी मांग की गई। ये कहते हुए कि वो आमिर के साथ काम करना पसंद करेंगे, हिरानी ने कहा, आमिर के साथ काम करना हमेशा एक अल्टीमेट हैप्पीनेस रहा है। वो उन रेयर इंडिविजुअल्स में से हैं जो पूरी तरीके से फिल्म में शामिल हो जाते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ काम करना पसंद करूंगा। हमारे पास थ्री इडियट्स 2 के लिए भी एक अच्छा प्लान है। ये अभी भी बहुत स्केची है, लेकिन साथ ही अमेजिंग भी है। अभिजीत और मैंने आमिर को ये विचार दिया और वो किसी भी दिन इसे करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। यदि ऐसा होता है तो हम साथ में काम करना पसंद करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक होने के नाते फिल्म में शर्मन जोशी, आर माधवन, करीना कपूर और बोमन ईरानी भी नजर आए थे। तो आप हमें बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाली इस ब्लॉकबस्टर सीक्वल के लिए? वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है जूही ने।